जिन्होंने अपराध किया है उसे सजा मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी सजा समाज को देनी चाहिए। समाज को एक साथ होके, एकजुट होके इन लोगों को सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए। एक मामूली विधायक इतना पावरफुल हो जाता है कि पूरे सिस्टम, चाहे वो जेल हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो फर्स्ट एड हो, कुछ भी, मतलब कोई नियम ही नहीं है। पीड़िता के पिता की मौत हो गई पुलिस कस्टडी में, उसको बेसिक फर्स्ट एड नहीं दिया गया, उसकी आंतें फटने से उसको सेप्टिसीमिया हो गया, तो ये जघन्य अपराध है। ये देखें कि इस तरह के जस्टिस को 6 महीने या 2 महीने नहीं दिए जाते, ये एक जघन्य अपराध है और इसको फौरन जस्टिस मिलना चाहिए। और मीडिया डेफिनेटली इज वर्किंग वेरी वेरी स्ट्रांगली। चार्जशीट दाखिल करने के लिए एक सशक्त कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का, और खासकर ईमानदार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का होना बहुत जरूरी है। मुस्लिम विक्टिम वर्सेस हिंदू एक्यूज्ड करके देखा जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टी भी इसी तरह देख रही है, बाहर के लोग भी इसी तरह देख रहे हैं, समाज के कुछ तबके भी उसी तरह देखना शुरू कर दिया उन्होंने, उसी भाव में बह रहे हैं, जो बहुत ही एक मतलब शर्मनाक भी है और फिक्र की बात भी है कि अगर हम क्राइम को इस तरह से देखेंगे तो राजनीति कहाँ तक नीचे और चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारी किताबों में कानून नहीं है, कानून है, बट काफ़ी ऐसे इनहेरेंट और सिस्टेमिक डिलेज हमारे सिस्टम में अब इनबिल्ट हो चुके हैं, जो कई बार एक्सप्लॉइट होते हैं, कई बार पॉलिटिसाइज होते हैं, तो लॉ है हमारे पास, उनका इम्प्लीमेंटेशन शायद उतना सही नहीं हो पा रहा। ताज़ा खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट समय लाइव पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस दिखाएं, लेटेस्ट खबरें दिखाएं, और अगर आपको ये पसंद कुछ आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।